अच्छा बेटा, एक क्वेश्चन है, व्हाई आर सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड आर प्रेफर्ड मटेरियल फॉर सोलर सेल्स, सोलर सेल के लिए क्यों? तो सोलर रेडिएशन स्पेक्ट्रम रिसीव्ड एज सोन, तो इसमें से और एक क्वेश्चन भी जानते हैं कि सोलर रेडिएशन स्पेक्ट्रम रिसीव्ड बाय अस, तो ये वाला हुआ। तो ये जो है ना सोलर इंटेंसिटी, और यहाँ पे एज न्यू, ओके, इंटेंसिटी ऐसा हो रहा है, एज न्यू इतना हो रहा है, ओके। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो इतना रहता है एज न्यू में, 1.5 वोल्ट। उसके बाद जितना मतलब और इंटेंसिटी, उसके बाद क्या होता है, घटने लग जाते हैं। तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन होगा वो इसी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग में होगी। तो इसीलिए लिखा है कि द मैक्सिमा इज क्लियर एट 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लाइक इसका सोलर रेडिएशन स्पेक्ट्रम रिसीव्ड। तो इसी वोल्ट में दैट इज मैक्सिमम इंटेंसिटी कैप्चर हुआ, सोलर एनर्जी ज्यादा कैप्चर होगी। इंटेंसिटी तो जानते हो, इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सोलर एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्प्शन इसी जगह पे हो सकते हैं, इसी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अभी मैक्सिमम नियर 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोटो एक्साइटेशन क्या होना चाहिए, एज न्यू शुड बी ग्रेटर देन ईजी, ये भी होना चाहिए, एज न्यू शुड बी ग्रेटर देन ईजी। ईजी अभी सेमीकंडक्टर बैंड गैप 1.5 और लोअर इज लाइक टू कीप बेटर सोलर कन्वर्शन एफिशिएंसी, ये लाइन लिखना जरूरी है, मेन ये लाइन, ए लाइन सबसे ज्यादा जरूरत है। उसके बाद ये लिख दो सिलिकॉन गैलियम आर्सेनाइड, इसको फॉलो करते हैं इसीलिए इसको ज्यादा यूज करते, बस। अभी बेटा देखो, तुम लोग पहले पूछे थे सर ये वाला ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ नहीं बनाए तो ये तो लाइन लिखना पड़ेगा ना, मैक्सिमम मैक्सिमम। तो क्या हुआ, सोलर रेडिएशन स्पेक्ट्रम रिसीव्ड इज मैक्सिमा नियर 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फॉर फोटो एक्साइटेशन एच न्यू शुड बी ग्रेटर देन ईजी। सिलिकॉन का कितना होता है 1.1 एंड गैलियम आर्सेनाइड का 1.53, ओके। दैट मींस इसी बैंड गैप रीजियन में एच न्यू का ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी, इसीलिए इट इज दैट इज और लोअर इज लाइकली टू गिव बेटर सोलर कन्वर्शन एफिशिएंसी। सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं इसी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और इस टाइप का बैंड गैप किस किस का होता है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का, दैट इज गैलियम आर्सेनाइड का होता है। ये हो गया इसका मेन थिंग। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, ये चीज क्यों लिखा है, वो तो बोला है कि हम लोग CDS और CDSE क्यों नहीं यूज करते, वो तो दूसरा क्वेश्चन हो गया, ओके। कहाँ पे माइनस में लिखा बेटा, माइनस किधर है, ये तो इक्विवेलेंट का साइन है, माइनस थोड़ी है, इक्विवेलेंट का साइन है बेटा, नियरली इक्विवेलेंट, ये माइनस नहीं है। अच्छा दूसरा देखो, इसको क्यों नहीं यूज करते हैं? तो इसका तो दूसरा क्वेश्चन बने, वी कैन यूज ओनली हाई एनर्जी कंपोनेंट ऑफ सोलर रेडिएशन, सोलर एनर्जी फॉर फोटो कन्वर्शन, क्या हाई एनर्जी कंपोनेंट ऑफ सोलर एनर्जी एंड ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द एनर्जी will be of no use. The question arises why we do not use material PDS 0.4 electron volt, ये तो इधर आएगी, which satisfy the condition H nu Eg for V maximum corresponding to the solar radiation spectra. वो तो अलग बात हो गया। Mainly इसका जो answer है silicon germanium का, you draw the graph, 1.5 के time में maximum होती है, और लिखो सिलिकॉन ये दोनों का बैंड गैप इसका नियर अबाउट होती है 1.5 की, इसीलिए ये दोनों को यूज करते हैं फॉर बेटर सोलर कन्वर्शन एफिशिएंसी। दैट मींस ये तीन लाइन मेन इंपॉर्टेंट है। प्रियांशु क्लियर है बेटा, ये तीन लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। क्या क्या चीज, तो उसको नियर अबाउट ही तो करेंगे 1.5, उसके आगे पीछे ही तो रहेंगे। इसका नियर अबाउट 1.1 हुआ, इसका कितना 1.5, 1.5 का ही तो सभी नहीं मिलने वाला ना, 1.5 के नजदीक क्या होता है, मैक्सिमम होते हैं। तो इधर 1.1 हुआ, इधर 1.53 हुआ, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा ना कभी भी, ये तो रेडिएशन का ग्राफ है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के तरफ मैक्सिमम रेडिएशन मिलते हैं, ओके, रिसीव होती है, एब्जॉर्प्शन होती है। तो अभी इसका जो नियर अबाउट वैल्यूज होगा उसको हम लोग लेंगे, उसमें से ये है, ये भी है,
और किसको ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, ये भी सीडीटी, ये भी तो है। ओके, गैलियम आर्सेनाइड जो यहां पे 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, यहां पे देखो गैलियम आर्सेनाइड का यहां पे कितना दिया 1.53। तो इसीलिए जब भी तुम लिखोगी उसको इक्विवेलेंट का साइन लिखोगे। बेटा एक बार बुक में देखो यहां पे कितना दिया 1.53 और यहां पे कितना दिया गैलियम आर्सेनाइड, यहां पे कितना बेटा 1.43, यहां पे क्या दे रहा है 1.53। तो ये जो वैल्यूज होती है उसका नियर अबाउट रहता है, 1.5 का नियर अबाउट रह जाते हैं, तो उसको यूज करते हैं। तुम लोग जब एग्जाम में लिखोगे इसी वैल्यूज को लिख देना। ज्यादा लेके एक्सप्लेन कर दिया मतलब, अच्छा एक मिनट और बताओ।